चलिए सेंटेंसेस और अच्छे से समझते हैं मीनाक्षी सॉ अ मैन हु वॉज गोइंग टू टाउन यहाँ हु कंजंक्शन है टू एंड टू मेक्स फोर टू एंड टू मेक्स फोर इसका ये मतलब है दो और दो चार हैं और यहाँ पर ये जो और एंड वर्ड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है शी हैज़ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर सो हियर द वर्ड एंड इज़ वर्किंग एज कंजंक्शन इन दी आपनेक्ट टू सेंटेंस सो दीज आर कंजंक्शन तो ये जो कलर वर्ड्स देख रहे हैं आप ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं इसीलिए इन्हें कंजंक्शन कहते हैं कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं काइंड्स के देर आर टू काइंड ऑफ कंजंक्शन दे आर को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू क्लोज और स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक इम्पॉर्टेंस एंड पोजीशन मतलब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जो रैंक में भी इक्वल है इम्पॉर्टेंस में भी और पोजीशन में भी एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे से समझते हैं ही डायल द नंबर एंड टॉक टू हिज बॉस उसने नंबर डायल किया और अपने बॉस से बात किया तो यहाँ पर एंड आप देख रहे हैं ये कंजंक्शन है नीदर ही केम नॉर ही इन्फॉर्म्ड ना तो वो आया ना उसने इन्फॉर्म किया यहाँ नीदर और नॉर दोनों ही वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहे हैं नो वन बट शैली वॉज प्रजेंट इन द मीटिंग यहाँ बट भी कंजंक्शन का ही काम कर रहा है ही ट्राइड हिज बेस्ट उसने अपना बेस्ट दिया येट फिर भी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम एग्जाम को पास नहीं कर पाया द वर्ड्स लाइक एंड बट ऑल सो येट फॉर नॉर ईदर और नीदर नॉन एटसेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये कोर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जाम्पल है अब हम बात करते हैं सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन वन क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग इसका यह मतलब है कि सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन वन क्लॉज को अनदर क्लॉज से ज्वाइन तो करती है पर उसके साथ ही साथ उसका पूरा मतलब भी समझ आए उसका भी ध्यान रखती है इट जॉइंट टू क्लोज और स्टेटमेंट और अनइक्वल रैंक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस और पोजिशन तो यहाँ पर सब कुछ अन होता है जैसे कि समझते हैं आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे मैं कल स्कूल नहीं कर, जा सका बिकॉज इट वॉज बिकॉज आई वॉज इल तो यहाँ आई वॉज इल और मैं नहीं जा सका ये दोनों ही बहुत अपोजिट बातें हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस को और इस तरीके के कंजंक्शन को सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन मैं तब आया वापस घर जब वो जा चुका था तो यहाँ आफ्टर भी कंजंक्शन का ही काम कर रहा है मिनान इज क्लवर देन मनीष डू नॉट लीव द प्लेस बिफोर आई रिटर्न सो हियर देन एंड बिफोर बूथ आर वर्किंग एज अ कंजंक्शन एंड सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन द वर्ड लाइक आफ्टर एज बिकॉज ऑल दो बिफोर दैन दो if until that while etc are the examples of subordinating conjunction so dear students if you have understood the kinds of conjunction and the definition of conjunction so just subscribe my channel that is learn with cheshta malvani hit the like button hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos and don't forget to leave a comment bye bye students